एनडीटीवी देश का पहला चैनल है जो आप तक इसराइल और हमास के बीच की जंग की बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है। अकेले चैनल जो गाजा पट्टी के इतने करीब है, लेकिन ऐसी रिपोर्टिंग के अपने जोखिम हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ घंटे पहले एक रॉकेट एस्कलॉन शहर के उस होटल पर आकर गिरा जहाँ हमारे दोनों सहयोगी उमा शंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा ठहरे हुए हैं, लेकिन बिना खौफ खाए उन्होंने पहले हमें रिपोर्ट्स भेजी और फिर वो बंकर में चले गए। देखते हैं ये रॉकेट फिर से चल रहा है, देखिए फिर से रॉकेट आगे जा रहे हैं वो देखिए, लेकिन उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया ऊपर ही नीचे से फिर से चल रहा है नीचे जा रहा है। एक लम्हे की थरथराहट और रिपोर्टिंग के जोखिम का एहसास। मैंने एक हिस्सा बाहर जाकर देखा, आखिर जहां एनडीटीवी की टीम रुकी है वहीं गिरा हमास का रॉकेट। हमले का असर होटल के बाहर जलती कार और उसे बुझाते कर्मचारी। अब यहाँ आईडीएफ पहुंची है और हमास का रॉकेट होटल पर आकर गिरा। बाहर खड़ी गाड़ी पूरी तरह से जल गई और ये कार की हालत। देखिए मेन दरवाजा होटल का और ये रूफ। एनडीटीवी की टीम ने हमले से कुछ देर पहले उस जगह पर जाने की कोशिश की जहां शनिवार को रिहायशी इलाके पर हमास का बड़ा हमला हुआ था। संगठन है हमास ने, वो जो गजा पे हमला हुआ है उसकी एवज में उसने धमकी दी है कि। इसी बीच टेलीग्राम पर हमास की चेतावनी आई कि आम नागरिक एस्कलॉन छोड़कर चले जाएं। एनडीटीवी की टीम होटल लौट रही थी, इसी दौरान हमला हो गया। तो ये आलम है अभी हमारे होटल का, ये देखिए अब ये एम्बुलेंस यहाँ पे पुलिस पहुंची है। सुरक्षा बल भी फौरन मौके पर पहुंच गए और हमला होते ही एहतियातन बाकी लोगों के साथ एनडीटीवी टीम को भी बंकर में जाना पड़ गया। तो अभी हम थोड़ी देर बंकर में रहेंगे और फिर आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे। एस्केलॉन ने शनिवार को हमास का सबसे ज्यादा कहर झेला। हमास इसके बाद भी हमले बंद नहीं कर रहा है। एनडीटीवी के लिए कादम्बिनी शर्मा और उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए इजरायली और गाजा युद्ध का आज यानी पांचवा दिन है और इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास के 1,500 आतंकवादियों के शव बरामद हुए हैं। साथ ही गाजा बॉर्डर पूरी तरह इजरायली सेना के नियंत्रण में आ गया है। इसराइल और हमास की इस लड़ाई में दोनों तरफ से सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार कर गया है। इसराइल के मुताबिक उसके करीब 900 लोगों की मौत हुई है और 2600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है और अब भी बड़ी संख्या में इसराइलियों को हमास के आतंकवादियों ने बंधक बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। इस युद्ध में इसराइल की जवाबी कार्रवाई में करीब 700 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 2900 घायल हुए हैं। इस बीच दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले भी जारी हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन बंदूकधारी हमलावर अब भी इसराइल में मौजूद हैं। इसराइल ने गाजा के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। सीमावर्ती कई इलाके में गाजा पट्टी से लगने वाले इलाकों में जो इजरायली सेना है उसके जमावड़े को के बढ़ने की जो जानकारी है वो लगातार आ रही है। ये जानकारी कल ही आई थी कि लेबनान से लगने वाली सीमा के आसपास जो है वो टैंक्स तैनात किए जा रहे हैं और जो वहाँ रिहायशी इलाकों में लोग रहते हैं, इसराइल के लोग रहते हैं, उनको एहतियातन उनसे वो इलाका जो है वो खाली कराया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बड़े पैमाने पर अटैक होगा तो काउंटर अटैक की भी आशंका बनी हुई है। जहाँ एस्कलॉन जिस शहर में मैं अभी हूँ, जानकारी अभी शुरुआती तौर पे ये भी आ रही है कि सैनिकों का जो जमावड़ा है यहाँ पे भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से गाजा पट्टी की जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो आगे आने वाले समय में ज़्यादा बड़ा जो रिटेलिएशन है वो इसराइल की तरफ से देखने को मिलेगा। तो मानवीय संकट के तौर पर देखें, मानवीय एक दिक्कत के तौर पर देखें, तो जो आम लोग हैं जिनका मिलिटेंसी से कोई वास्ता नहीं है, गाजा में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी काफ़ी भारी खामियाजा उसको उठाना पड़ रहा है। और यही इसराइल की तरफ से दलील दी जा रही है कि जो
ठिकाने हैं वो क्योंकि आतंकवादी ठिकाने हैं, इसलिए वहाँ पर हम निशाना बना रहे हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि जानबूझकर सघन आबादी वाले इलाकों में जो आतंकवादी हैं वहाँ से ऑपरेट करते हैं, ताकि अगर काउंटर रिएक्शन हो, उन पर जवाबी हमला हो, तो वो सिविलियनों के उसकी जद में आने की बात कहकर अपना बचाव कर सके और ये कह सके कि देखिए सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है। तो एक घटना हुई है, एक बहुत ही विभत्स यहाँ पे वारदात हुई है गाजा की तरफ से, जो आतंकवादी चलकर आए, उसका जवाबी कार्रवाई जो है वो इसराइल का हक है, ऐसा अमेरिका का भी कहना है। और यही वजह है कि इसराइल जो है वो जो अभी जो हमले कर रहा है, माना जा रहा है कि वो बस एक ट्रेलर है, जो बड़ा हमला है वो आगे आने वाले दिनों में होगा और उसके लिए तमाम रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरह से वो हो कि वहाँ जो आतंकवादी हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट किया जा सके, हमास की पूरी तरह से कमर तोड़ी जा सके। यही एक खतरा और भी है कि अगर इस तरह का हमला होता है तो ईरान चुप नहीं बैठा रहेगा, लेबनान चुप नहीं बैठा रहेगा, वहाँ का जो हिजबुल्ला संगठन है वो पहले ही हमास के समर्थन में उत्तरी इलाकों में जो हमला है वो कर चुका है, बदले में रिटेलिएशन इसराइल की तरफ से भी हुआ है। तो अगर दूसरा देश इसमें कोई शामिल होता है, अभी ये जो लड़ाई है वो एक आतंकी संगठन और इसराइल की सरकार के बीच है, लेकिन अगर कोई तीसरे मुल्क की सरकार इसमें शामिल होती है तो जाहिर सी बात है कि जो परिदृश्य है और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो स्थिति यहाँ पर अभी भयावह बनी हुई है और हर पल जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो मुठभेड़ की बात है वो सामने आ रही है। और अभी 1500 जो शव हैं उसकी बरामदगी की बात की गई है IDF की तरफ से, जो हमास के आतंकवादियों के शव बताए जा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो आतंकवादी थे वो इसराइल की ज़मीन पर घुसे थे और उनमें से ज़्यादातर को मार दिया गया। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ आतंकवादी इसराइल की ज़मीन पर मौजूद हैं और उनका जल्द सफाया करने की जो कोशिश है वो की जा रही है।